कैसा लग रहा है थोड़ा सा नहीं हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल शुप्रकी छोटी दुनिया आप सब कैसे हो आई होप आप सब अच्छे होगे मस्त होगे स्वस्थ होगे और जहाँ भी होगे खुशहाल होगे तो गाइस आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी नए-नए इनोवेशन दिखेगा किचन में और साथ ही साथ आ, आ, होली के दिन एंडी ने मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया था उसको मैं रिवील करने वाली हूँ मैं उसको रिवील नहीं कर पाई होली के दिन क्योंकि व्लॉग एक्सट्रीमली थोड़ा बड़ा हो गया था एक्चुअली उन्होंने होली के दिन ही मुझे वो गिफ्ट किया था बट व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया था इससे मैं अपलोड नहीं कर पाई तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और मैं भी खाली हूँ एंडी है नहीं और इस टाइम हो रहे हैं शाम कि छः साढ़े छः बज रहे हैं ऐसे कुछ तो मैंने आप लोग दिखा देती हूँ मम्मी किचन में बिजी है और मैं वो भी दिखाऊंगी कि मम्मी किचन में क्या कर रही है तो सबसे पहले मैं अपना गिफ्ट दिखाती हूँ आप लोग को जो एंडी ने मुझे दिया तो हेयर इज द गिफ्ट टेंटर एक्चुअली क्या हुआ कि हम सब लोग होली खेल रहे थे तब तक सडनली एंडी मेरे को ये लाके दिए एक छोटा सा पर्स जो कि जस्ट हर्ब्स का लिपस्टिक है और बहुत ही आयुर्वेदिक लिपस्टिक है मतलब तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मोस्टली कॉस्मेटिक ड्रेस और ड्रेस uh, का मुझे नहीं पता बट इंसान को मेकअप की चीज़ें हमेशा कॉस्मेटिक जो भी यूज़ करते हैं इंसान को हमेशा नेचुरल यूज़ करना चाहिए और इसके अंदर गाइस गैस क्या है मिनी लिपस्टिक ये देखिए आप लोग मैं आपको दिखाती हूँ पास से इसके सारे शेड्स आप लोग से एक चीज़ और कहना था ये है तो काफ़ी छोटी सी चीज़ बट जिंदगी की ये खुशियाँ होती हैं इंसान को छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है कि हर टाइम जब आपको गोल्ड का सामान दे या जब कोई आपको कोई एक टूर पैक गिफ्ट करे तो वही गिफ्ट नहीं होता है मुझे तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत 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 खुशी रहती है ये चीज़ एंडी को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ तो मुझे सरप्राइजेज में जो ये छोटी छोटी चीज़ें देते हैं मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है थोड़े से खड़ूस हैं बट स्टिल पति है कोई बात नहीं माफ़ कर दिए हमने तो और रिलेशनशिप में ही होता है आप सेम तो नहीं हो सकते ना कि जैसे हम हैं वैसे ही पति हो हमारा जैसे वो हैं वैसे ही हमारी थिंकिंग वो सबकी थिंकिंग अलग होती है बट उसी में आप रिलेशन चला रहे हो दैट इज़ द रियल लव और रिलेशन का मतलब यही होता है रिलेशन इज़ नॉट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ कम्युनिकेशन क्योंकि ये ऐसा रिश्ता होता है जो आपके जिस टाइम से आप साथ फेरे लेते हो उस टाइम से लेके आप बुढ़ापे तक वो रिश्ता आपके साथ रहेगा तो इसलिए मैं बात करी और हाँ मैं आपको मैं इतना ज़्यादा आपको इमोशनल टॉक के बारे में बात करने लगी आपको शेड्स दिखाना भूल गई तो इसमें कितने शेड्स आए हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मैं इससे पढ़ लेती हूँ यहाँ पे सिक्सटीन शेड्स हैं इस छोटे से मेरे पाउच में और मुझे पाउच बहुत अच्छा लगा है और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ क्या हुआ एंडी सुबह नाश्ता कर रहे थे होली के अगले दिन ये होली के दिन मिला था पर मैं आप लोगों को बता ही ना मैं आप लोगों को दिखाने पर तो मैं ऐसे करके इसको टांग के मैंने बोला एंडी मैं जा रही हूँ वास्ने लगे छोटा सा पाँच लगे और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शेड्स कुछ शेड्स ज्यादा ही है इसमें जो कि ब्राउन शेड्स चॉकलेटी शेड्स हैं मुझे पसंद है मेरे पास भी मोस्टली ब्राउन चॉकलेटी शेड्स हैं ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास से ये देखिए दिखा आप लोगों को बहुत प्यारा शेड लग रहा है देखिए हल्का सा पीच का लगा मैं सारा शेड आपको एक दिन अच्छे से लगा लगा के दिखाऊंगी कौन कौन सा शेड है फिर अपने पास रखूंगी वाइप्स वाइप्स को रिमूव करके सारा शेड्स मैं आपको लगा के दिखाऊंगी अभी फ़िलहाल मैं ले चलती हूँ आप लोगों को किचन में और किचन में दिखाती हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली uh, मम्मी ने बोला आज की क्यों ना एंडी के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करें और आज चाइनीज़ डिनर बने तो उनके सारे फ्रेंड्स को हम लोग ने रात में इनवाइट किया है और आज बनने वाला है चाइनीज़ डिनर तो मैं आप लोग को ले चलती हूँ किचन में क्या क्या बनने वाला है ये मैं आप लोग को पहले से बता देती हूँ सेजवान राइस सेजवान राइस बनने वाला है वेज नूडल्स बनेगा एंड एक आइटम और बन रहा था ओ माय गॉड एंडी सही बोल रहे हैं मेरे माइंडिंग कम हो गया है और हाँ चिली पनीर बन रहा है सोच में रिमाइंडर कम हो गया चलिए ले जल्दी चल आप लोगों को किचन में अपना पर्स जल्दी से पैक कर लेती हूँ कहीं जाना हुआ तो मान लीजिए कुछ ना रहे, रहे ना रहे ये चीज़ खट से होनी चाहिए मैं चल रही हूँ ऐसा वाला कि शेड्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आराम से बाद में ये परफेक्टली आयुर्वेदिक लिपस्टिक है तो अच्छा है क्योंकि एंडी को पता है कि दैट आई लव लिपस्टिक मुझे लिपस्टिक बहुत 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 ज़्यादा पसंद है एंड uh, मैं तो घर पे भी रहती हूँ तो मैं लिपस्टिक अप्लाई जरूर करती हूँ क्योंकि आई जस्ट लव लिपस्टिक मुझे मेकअप में कर सबसे तो ज़्यादा कुछ पसंद है तो वो है लिपस्टिक एंड बाकी खूबसूरत तो मैं हूँ ही आप लोगों को पता ही है बात करते हैं कि चक्कर में भूल ना जाए हमें किचन में आप लोगों को ले चलना है और दिखाना है कि मम्मी क्या बना रही है और कितनी तैयारी हो चुकी है गेस्ट पे आने वाले होंगे एन डी ऑफिस से आने वाले होंगे तो फटाफट सारा काम खत्म करके और फिर तैयार तो हुई मैं तो यहाँ आपकी मिस था यहाँ आपकी प्यारी मिस्फा था हाँ मम्मा गर्म पानी थोड़ा सा पियेंगे कितनी प्यारी लगती हूँ मैं oh. तो यहाँ आज के डिनर की पूरी तैयारी चल रही है सेजवान राइस का पूरा प्रॉपर यहाँ पे तैयारी हो चुका है चिल्ली पनीर नूडल्स तो ये देखिए आप लोग डिनर रेडी हो चुका है सेजवान राइस जिसको कितना खूबसूरत तरीके से मम्मी ने कोरिएंडर और बाकी चीज़ से डेकोर किया है ये वेज हक्का नूडल्स है और ये रहा हमारा चिली पनीर टेस्टी अब चलते हैं हम लोग डिनर करने और वहाँ डिनर करते हुए आप लोगों से ढेर 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 सारी बातें करेंगे हम लोग और दिखाएंगे सबका रिव्यू कि सबको कैसा लगा खाना कैसा लग रहा है थोड़ा सा नहीं इस मैगी नहीं वाला सोया का होगा सिरका तो नहीं पड़ता है पर डिनर पड़ता है पर खाना रसम बस हां रस में स्टार्ट रुको बताइए आप लोगों को कैसा लगा खाना बहुत अच्छे लाजवाब है आईना तो डिनर करते-करते हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी की हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि खिलो को चल लगी मत कर रहे गाइस गाइस हम लोगों का डिनर हो चुका है बहुत मजा आया आज को अलग डिनर करके एंड सारे इंडी के फ्रेंड्स जा चुके हैं अपने अपने घर और यहाँ पे हम लोग करने वाला रेस्ट आप लोग से मुलाकात होगी कल और हाँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में ये भी दिख सकता है सेजवान राइस का पूरा फुल रेसिपी मिलेगा नूडल्स का फुल रेसिपी मिलेगा चिली पनीर का फुल रेसिपी मिलेगा और आप लोग इंजॉय करने वाले हैं तारा गाइस सून